बहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स वन। दोस्तों आज की वीडियो काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की इस वीडियो पर हम लोग डिबेट करेंगे राहत इंद्री साहब की एक शायरी पर। राहत इंद्री साहब ने एक हाल ही में प्रोग्राम किया है जिसमें ईवीएम के तौर और इलेक्शन के जुड़े कुछ बयान शायरी बना के बयान किया है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और काफी गजब गजब शायरी बोले है राहत इंद्री साहब ने, तो वीडियो एंड तक जरूर देखने की कोशिश करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। एक शेर से शुरुआत करता हूं, उससे अंदाजा मुझे हो जाएगा कि मुझे कैसे शेर आपको सुनाना है। ये कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये ताजा है, मेरा ख्याल है कुछ घंटों पहले इस से गुजरे हैं आप। एक बड़ी तब्दीली हिंदुस्तान में कल आई है, कुछ सुनेगा। अर्ज क्या है कि लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, अगर मैं सही कह रहा हूं तो पूरी शिरकत चाहेगा पूरी महफिल। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गए। लहू में भीगी हुई, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखें। मैं पढ़ रहा हूँ मेरे अजीज, पढ़ रहा हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, जब मैं बोलता हूँ तो ऐसी ही आवाज आती है। कोई बात नहीं। लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, क्या कहने, चुनाव हार गए सर, आप ही कहा सर, वाह वाह वाह, मशीन जीत गए। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, ऐसे सुनते रहना, ज्यादा वक्त है नहीं, इसलिए सलीम चौहान कह गए हैं भाई कि 5-10-15 मिनट का हिसाब किताब है। सर मैं भी कई बरस के बाद आपसे मिल रहा हूं, पता नहीं कई बरस बाद अब मिलूंगा या ना मिलूंगा, लेकिन ये बस नशा रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, ऐसा कर दो। बस क्या है कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। चोर उचक्कों की, वाह सर जिंदाबाद, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी। अभी एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर सुनी मैंने साहब, ऐसा लग रहा था जो कोई आसमान से फरिश्ता उतर के आया और वो कुछ बातचीत कर रहा था, ये होगा यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये करना चाहिए। शेर सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं कि चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, और नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आए। हाय 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 हाय, चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ जाए। हाय हाय हाय, थोड़ा सा मिजाज आपका बदल रहा हूं। क्या कहने सर, ये
मैं लेट हो गया आपको सुनाने में, यार मुशारे ही लेट हो रहा है। एक आध डेढ़ दो महीने पहले, ढाई महीने पहले मुझे ही कर लें दे, लेट हो गया आप तक शेर पहुंचाने में मैं, लेकिन आप वहीं जाकर सुनिएगा दो ढाई महीने पहले। सर बताओ, बहुत सर्द मौसम में जकड़ा गया था, पकड़ा गया था दिल्ली में, वहीं पर शेर कहने की कोशिश की, अजीब माहौल था। मजा लीजिएगा जरा सब, मूड बना दें, 10-15 मिनट का खेल है सब। सलीम चौहान, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। नौजवानों से बहुत तवक्को कर रहे हैं हमारे नौजवान साथी शायर। ऐसी सर्दी है, देखिए ये मत समझना कि मैं 70 बरस का हूं तो मैं जानता नहीं कि 20 बरस में क्या होता है, तो सुन के बताइएगा। ऐसा लगना चाहिए कि मैं भी आप ही की उम्र का हूं। मेरे देखिए बीमारी की वजह से सर के थोड़े बाल उड़ गए हैं, बाकी पूरी मशीन वही की वही है जहां थी। शेर सुन के बताइए, अर्ज कर रहा हूं कि ऐसी सर्दी, सुनो अल्ताफ, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे, वाह 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 सर, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। पहुंच कर सुनिएगा साहब, मैंने कहा ढाई महीने पहले का शेर है, 3 महीने। जो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे थे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें, काली रातें, उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें, ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। अरे वाह 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 वाह, क्या मिश्रा है सर, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली, ऐसी आजादी कि हर शख्स आजादी रिहाई मांगे, कि हर शख्स रिहाई मांगे। एक गजल सुन ले, ये इन दिनों में पढ़ रहा हूँ, मेरा ख्याल है कोई पुरानी गजल है भी नहीं, ये ताज़ा ही है, किसी जरिए से अगर पहुँच गई हो तो माज़रत चाहूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पहली बार आप सुने तो अच्छा है। साहब हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब मुझे कोई गर्रा वर्रा नहीं, मैं ये कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ या कुछ यूँ करता हूँ या वो करता हूँ या ये लिखा या वो लिखा, लेकिन ये है कि जब मैं शेर कहता हूँ और आप सुन लेते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अल्लाह ने पर दे दिए हैं और मैं बहुत अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें फिल्म। तो दोस्तों आज की थी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। राहत इंद्रजीत साहब ने क्या शायरी कहा है, या माशाल्लाह दिल सुन के दिल खुश हो गया माशाल्लाह। और आप लोगों को ये शायरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज किस दौर का जो आज किस दौर का मतलब ये रियलिटी बताया है राहत इंद्रजीत साहब ने, एंड बहुत सा ख्याल रखेगा अपना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकअल्लाह खैर।